सिविल सचिवालय में बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक। एक हफ्ते के लिए बाहरी व्यक्ति को एंट्री नहीं मिलेगी। एक हफ्ते तक के सभी अपॉइंटमेंट रद्द किए गए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों से होगी बात। कोरोना के चलते प्रशासन ने बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी है। तो चंडीगढ़ से बड़ी खबर, जहां सिविल सचिवालय में बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। कोरोना को देखते हुए प्रशासन ने यह फैसला लिया है और ये रोक एक हफ्ते के लिए लगाई गई है। इसके बाद एक हफ्ते तक के जो जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं उन सबको रद्द कर दिया गया है। कोरोना को देखते हुए प्रशासन ने यह फैसला लिया है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों से बात होगी। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से राकेश गुप्ता जुड़ चुके हैं। राकेश, ये एक अहम फैसला है, इसका लोगों पर कितना असर होगा? ये बिल्कुल कोरोना के बढ़ते संक्रमण में ये एक महत्वपूर्ण और जरूरी फैसला है, अहम फैसला भी है और लोगों की सुरक्षा के लिए लिया गया एक फैसला है। आप जानते हैं कि जो संक्रमण जो है दिन ब दिन बढ़ रहा है। सरकारी कार्यालयों में 50% की हाजिरी की गई है। कुछ 6 जिलों में प्राइवेट जो कार्यालय हैं वहां पर वर्क फ्रॉम होम किया गया है। इसी के चलते अब दफ्तरों में जो बाहरी लोग हैं उनके आने पर पाबंदी लगनी शुरू हुई है। चंडीगढ़ का जो मिनी सचिवालय है, जो जिसे नया सचिवालय भी बोलते हैं, वहां पर एक सप्ताह के लिए जो बाहरी लोग हैं यानी कि जो काम के लिए मिलते हैं आकर, उनके प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। इन लोगों ने चाहे पहले से अपॉइंटमेंट भी ली हो वो भी अब अमान्य रहेगी। और इसी तरह इस जो फैसले की समीक्षा जो है एक सप्ताह के बाद की जाएगी, क्या ये दोबारा एंट्री अलाउ करनी है नहीं करनी। पिछले साल भी इस तरह के कड़े फैसले लिए गए थे। मुख्य सचिवालय जो है मेन सचिवालय वहां पर भी प्रतिबंध लगाया गया था और मिनी नए सचिवालय में भी लगाया गया था। फिलहाल अभी तक मेन सचिवालय में ऐसे कोई आदेश नहीं दिए हैं और नए सचिवालय जो सेक्टर 17 में है वहां पर ये प्रतिबंध लगाया है। और लोगों की जानकारी और लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए हम बताना चाहते हैं कि कोविड के चलते वे लोग वहां ना जाएं, उन्हें असुविधा होगी क्योंकि पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया है। और ये आदेश जो है हरियाणा के वित्तायुक्त जो कि आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव भी हैं संजीव कौशल ने ये आदेश जारी किए हैं। और उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति बात करना चाहता है तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित अधिकारी से बात कर सकता है। तो इस तरह से अब जो सचिवालय में एंट्री है वो पूरी तरह से बैन कर दी गई है। लेकिन सवाल ये भी है राकेश जी कि क्या सिविल सचिवालय में अधिकारी मौजूद रहेंगे या उनके लिए भी कोई दिशा निर्देश जारी किया गया है? देखिए, ये आप जानते हैं कि सरकार ने जो IAS अधिकारियों के अलावा और HAS अधिकारियों के अलावा जो अन्य स्टाफ था वहाँ 50% की हाजिरी अलाउ की है। आप जानते हैं जो प्रशासकीय अधिकारी हैं उनके लिए जो डिस्टेंसिंग की बात है वो अलग से रहती है क्योंकि उनके बड़े बड़े कार्यालय हैं और वहां पर पूरी तरह से कोविड के नियमों की पालना हो रही है। और आम जो दिन रहते हैं वहां पर मिलना जुलना की अनुमति रहती है। तो ऐसे में आप लोगों से मिलने की अनुमति नहीं रहेगी, बाकी अन्य जो स्टाफ है नहीं रहेगी, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो लोगों की समस्याओं को उसका समाधान कर सकते हैं। राकेश गुप्ता जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सिविल सचिवालय में बाहरी लोगों की एंट्री पर फिलहाल एक हफ्ते के लिए रोक लगा दी गई है। और एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सिरसा से।